स्वागत है दोस्तों एग्ज़ाम पाथफाइंडर में। इस वीडियो में हम नेशनल ट्रेनिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज आई है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ये टेक्नीशियन ए बी सी और डी के लिए निकाली गई है, जिसके लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वह मात्र 10वीं पास मांगी गई है, और इसके साथ साथ ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उसी ट्रेड में सर्टिफिकेट अनिवार्य होना चाहिए कैंडिडेट के पास। जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वह 2 साल का मांगा गया है उसी ट्रेड में, और जैसा हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि इसके लिए एज लिमिट जो 56 वर्ष की रखी गई है, तो इसके लिए कैंडिडेट अगर 56 वर्ष से अधिक का है तो वह यह अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर उसे रिलैक्सेशन मिलेगी तो श्योर वो अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन प्रोसेस की वह 27 मार्च 2021 की है। इसे कैंडिडेट 12 अप्रैल 2021 तक भर सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट जो NTRO की है यानी ntro.gov.in, कैंडिडेट उस पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फॉलो करते हुए और उसे इस एड्रेस पे फोटो कॉपी और उसके साथ जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको सेंड करना होगा। सो फ्रेंड्स, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसा कि देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म यानी कि alert.exampathfinder पे अवेलेबल करा दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन ए के लिए 20 वैकेंसीज दी गई हैं, वही बी के लिए 12, सी के लिए 7 और टेक्नीशियन डी के लिए 6 वैकेंसीज निकली हैं। जो लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स होगा वह ये निर्धारित किया गया है। कैंडिडेट जैसा कि देख सकते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि आखिरी डेट 27 मार्च की दी गई है, स्टार्टिंग डेट 27 मार्च की दी गई है, वही ये एप्लीकेशन 12 अप्रैल 2021 तक भरा जा सकता है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अब उस ट्रेड के लिए जो रेलिवेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह भी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई सेक्शन जो कैंडिडेट को यह बताता है कि यह एक ऑनलाइन आवेदन भरने का प्रक्रिया रखा गया है, और इसके साथ साथ कैंडिडेट को ये अनिवार्य मतलब यह सुनिश्चित करना है कि वह अपने करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे ताकि जो संस्थान है उससे कॉन्टैक्ट कर सके। फ्रेंड्स, आप इसके साथ अगर आपको कोई क्वेरीज है या कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ हमारे कम्युनिटी फोरम यानी community.exampathfinder का भी यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी के इस सेक्शन में आके आप क्वेरीज या डाउट्स पूछ सकते हैं एंड कम्युनिटी उसको रिप्लाई करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वैकेंसी में इंटरेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो इसे प्लीज़ टाइम से अप्लाई कर दीजिए। एंड अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।